हेलो गाइस, तो आज मैं खेलने वाला हूँ एक नया गेम जो 2020 की एक नई रिलीज है, जिसका नाम है द लॉन्गेस्ट नाइट। तो ये एक हॉरर गेम है, एक हाई ग्राफिक्स हॉरर गेम है। मतलब तो यहाँ पे हमें कुछ करके एस्केप करना है एक बड़े से घर से। तो ये एक नया गेम है जिसे लॉन्च हुए 2 महीने भी नहीं हुए, इसलिए मुझे ज़्यादा इस गेम के बारे में नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गेम को। तो ये कमरा है, तो ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे एक लैपटॉप पड़ा है, तो लैपटॉप के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन होगी, सेव गेम। तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट की तरह काम करेगा ये लैपटॉप, ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे सारे डोर लॉक्ड है, इसके कंट्रोल पैटर्न काफ़ी अजीब है। ऊपर साइड वो हाथ बना हुआ आता है जिससे हम गेट खोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स और ये गन दोनों को हम यूज़ नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों आ नहीं रहा है सामने। यहाँ से जाते देखते क्या होता है। ये एक्स वाला आदमी लगता है इसके पास हमें एक्स छीननी होगी। आ गया लगता है इस कमरे के अंदर होगा। देखते हैं यहाँ पे वो मिले हमें, नहीं है यहाँ पे। तो क्योंकि मैंने नहीं है इसलिए बोला क्योंकि इतने चमकदार कमरे में कोई भी मरा हुआ आदमी नहीं होगा बिना चेक किए। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे ये मेडिकेट है। तो देखते हैं ये मेडिकेट उठा सकते हैं या नहीं, जो भी हो पता नहीं क्या है। यहाँ पे ये येलो कलर की मशीन है, पहले इसे देखते हैं ये क्या है। तो इस मशीन जनरेटर है, ये स्टार्ट कर दिया इसे। तो अब देख ऐसे बाहर निकलते हैं। अब पता नहीं कि आगे क्या करना है हमें, ना ही हमारे पास कोई कुल्हाड़ी है, ना ही वो गन मिली अभी तक, और कुछ भी कोई चिक्की वगैरह भी अभी तक नहीं मिली इस कमरे से। तो पता नहीं एस्केप कैसे करेंगे इससे। तो यहाँ पे अब इस वाले कमरे में देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा है, हो सकता है यहाँ पे कुछ ये एरो दिख रहा है। तो ये इसका एरो है, देखते हैं, ये है एक्स है। तो ये हमें एक्स मिल गई है। अब इस कुल्हाड़ी से अगर वो हमारे सामने आया उसे मार देंगे हम। यहाँ पे एक और चेक पॉइंट हमें मिल चुका है, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ अब उस तरफ जाएंगे, यहाँ जहाँ से हमने हमारा गेम स्टार्ट हुआ था उस कमरे के यहाँ पे 2 रास्ते थे, एक यहाँ पे आता है, एक दूसरी तरफ जाता है। तो उस दूसरी तरफ वाले रास्ते पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे भागता है, तो यहाँ पे नीचे स्टेमिना का बटन ये है, लाइन, वो लाइन ख़त्म हो जाएगी तो ये चलना बंद कर देगा। जैसे एक्स से ये दबा रखेगा, देखते हैं टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, ये भी गया। तो जैसे ये यहाँ पे एक्स का है, तो यहाँ पे एक्स का सिंबल बना हुआ होना चाहिए, पर यहाँ पे एक बुलेट का सिंबल बना है। यहाँ से अंदर जाते हैं और कमरा तो बिल्कुल साफ सुथरा है सर, तो भी एक क्रीपी चीज़ तो नहीं है यहाँ पे। ये गन मिल गई हमें और ये की है, देखते हैं ये की क्या काम करेगी। आगे हमें कोई लॉक वगैरह मिलेगा तो उसके अंदर ये की काम आ जाएगी हमें। तो अब यहाँ से देखते हैं, अब आगे जाते हैं। ये कुल्हाड़ी वाला बंदा इस गन से उसे मार भी मारा, 1 2 3 4 5 बुलेट्स लगी मारने के लिए। तो बस मैं रिलोड करता हूँ। तो अब यहाँ पे ये वाला कमरा है, इस कमरे को भी ये कुल्हाड़ी से तोड़ता है। तो यहाँ पे हमें कुछ मिलता है, कोई चीज़ वगैरह। तो चलो 1 2 ये 3 ऊपर और 3 है, अभी इन्हें फटाफट तोड़ता हूँ। कुल्हाड़ी का भी एक तो वो है रिस्टोर पॉइंट, कुल्हाड़ी को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो रिजनरेट होता रहता है धीरे धीरे। ये गैसोलीन टैंक, ये गैस टैंक है, तो इसका भी कुछ आगे काम होगा, जनरेटर से रिलेटेड ही कोई काम होगा आगे, क्योंकि एक जनरेटर हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे खोपड़ी इंसान की, कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये क्या लिखा है, 19978 शायद किसी कोड होगा तो यूज़ आ जाएगा। पेंटिंग, ये पेंटिंग ले नहीं पा रहा है, पता नहीं किसलिए रखा था। फिर ये दवा तो खुलते हैं, शायद कुछ हो लॉक डे सारे। यहाँ पे ये लाइटर, तो इसे भी नहीं ले सकते हम, देता हूँ। यहाँ से हम निकलते हैं, ये भी तो सोया हुआ है, सिर के ऊपर बैग है। तो चलो यहाँ से देखते हैं ये रास्ता कहाँ जा रहा है, हमें कहाँ ले जाएगा। ये रास्ता हमें ले जा रहा है सीधा ही इस दरवाजे के पास, वो दरवाज़ा हमें ले जाता है सीधा नीचे जाने का रास्ता है। हमारे पास कुल्हाड़ी है, की है और गैस टैंक है और गन। तो
चार चीज़ें हैं, अब देखते हैं क्या काम आएगा ये चारों चीज़ें। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई है, सारी चीज़ें टूटी हुई है। वहाँ पे ऊपर एक सीढ़ी है, उसका कुछ काम होगा आगे, शायद सीढ़ी को नीचे लाना होगा हमें। यहाँ पे एक कबर्ड है, शायद ये खुल जाएगा। तो अब हाँ ये लॉक्ड है ये तो। अब देखते हैं, हमारे पास की थी तो उस की को यूज़ करते हैं, हो गया अनलॉक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओके तो हमें सारे जनरेटर को ऑन करना होगा। तो यहाँ पे कितने जनरेटर है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन तो भी देख लेते हैं। एक जनरेटर है शायद वहाँ ऊपर वाले किसी कमरे में होगा, और पता नहीं, ये रहा एक जनरेटर गया। यहाँ पे एक जनरेटर एक और है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर वो फ्यूल डालना पड़ेगा। यहाँ पे उस लाइब्रेरी के अंदर से हमें जो फ्यूल मिला था वो यहाँ पे डाल देते हैं हम। तो अब देखते हैं कि ये स्टार्ट होता है या नहीं होता। ये दो जनरेटर हो गया है, इसलिए और जनरेटर होगा। वहाँ सामने एक डायल पैड दिख रहा है मुझे, शायद वो कोड डालना होगा 179978, नहीं 19978, 19978, 199। ये डायल नहीं कर रहा, डायल करता तो ऊपर साइड उस बार में बताता कुछ भी। जनरेटर से हमें पहले पावर देनी होगी, जाते हैं और जनरेटर ढूंढते हैं हम। तो पहले तो जाते हैं उस कमरे, कमरों को वापस देखते हैं ध्यान से। शायद मुझे लगता है कि वो जहाँ पे हमें एक्स मिले ना, वहाँ पे वो जनरेटर होगा, क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा था। अंधेरा ना होता तो हमें जनरेटर दिख जाता। सबसे पहले हम जाते हैं वहाँ पे उस एक्स वाले कमरे के अंदर। तो चलिए, और जैसे यहाँ पे घोड़ा टाइप काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी कोहरा है। तो ये रहा वो एक्स वाला कमरा। वो आदमी हमारे पीछे तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। यहाँ पे एक्स वाला कमरा है, यहाँ पे नीचे भी एक रास्ता है। ये रहा, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस कमरे से, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो ये दरवाज़ा लॉक्ड है पहले से ही। तो अब देखते हैं, गन निकाल देता हूँ मैं, शायद वो आदमी आ जाए दौड़ता दौड़ता। तो ये कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो हो सकता है यही कहीं होगा। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे ये तो नहीं है। ये क्या मिल गया, जनरेटर, अच्छी बात है जनरेटर मिल गया। अब नीचे जाते हैं, लगता है सारे जनरेटर हो गए हैं। अब जाते हैं और देखते हैं कि कुछ हमें मिलता है। तो पावर हो जाती है ऑन तो अच्छी बात है, वरना हमें और कोई जनरेटर ढूंढना होगा पूरे घर के अंदर। तो जाते हैं, यहाँ पे तो ये गन रिलोड, गन का एम करने का सिस्टम काफ़ी अजीब है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे ये गायब हो चुका है, मतलब अब हमारे पीछे वो आ सकता है, हमारे पीछे वो आएगा, यकीन है वो हमारे पीछे आएगा। तो वो एक बार कोड देख लेते हैं, कोड सही हो तो कोड है 19978, 19978। ठीक है, अब कोड नहीं भूलूंगा। गलती से गन चल गई, वो आया है क्या, गन की आवाज़ सुनते नहीं आ रहा। वैसे तो ये हॉरर गेम है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे कुछ डर वगैरह नहीं लग रहा इसके अंदर। जैसे मेंटल हॉस्पिटल 5 के अंदर जैसे मुझे जंप स्केयर वगैरह से डर लग रहा था ना, वैसे इसके अंदर नहीं लग रहा। जैसे मेंटल हॉस्पिटल 5 से याद आया, मैं मेंटल हॉस्पिटल को नहीं खेलने वाला कि वो तो मेरे फ़ोन से गलती से डिलीट हो चुका है और मैं उसे वापस ख़रीदने वाला नहीं हूँ। तो अब यहाँ से वो वीडियो को नीचे लाना है, वो डायल पैड है, यहाँ से उसके शॉर्ट करने पर भी नहीं खुलता वो। अच्छा, अगर रियल लाइफ की तरह किसी भी लॉक को शूट कर दो तो खुल जाएगा, ऐसा इस गेम के अंदर नहीं होते। अभी रिस्टोर हो गई पावर, हो गई। देखते हैं इसके फुटस्टेप, वो आ रहा है क्या, वो आ रहा, आ रहा है, मैं बताऊँ, 1 2 3 आ गया। तो चलो, लगता है कि हम स्पेशल कुछ करते हैं ना। जैसे यहाँ पे मैंने जनरेटर ऑन किया, वहाँ पे मैंने गन ढूंढी, गन और एक्स ढूंढी थी, भी वो आते हैं। यहाँ पे एक डायल पैड ये ऑन हो चुका होगा। तो देखते हैं, वो पासवर्ड डालते हैं 19997 और ये 8। ओके को प्रेस करते हैं, हो गया,
ग्रीन कलर का आ गया लाइट। देखते हैं क्या हुआ, सीढ़ी नीचे आ गई होगी लगता है, लगता है वो सीढ़ी नीचे आ गई होगी। नहीं आई सीढ़ी नीचे, क्या हो क्या हुआ होगा, लग गया यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। पर क्या वहाँ पे एक और सीढ़ी है नीचे साइड, वो मैंने पहले नहीं देखी क्योंकि यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे चलो जाते हैं नीचे, नीचे ही जा रहा लग गया नीचे। तो अब यहाँ पे क्या तो गर्दन काट दी है इसने, मर्डर ने गर्दन काट दी है, ये उसकी गर्दन। अब ये एरो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिखते है क्या है, ये बटन। अब वो सीढ़ी नीचे आ गई होगी, ये बता रहा है कि सीढ़ी नीचे आ गई है। तो ऊपर जाते हैं, हर चीज़ यहाँ पे टूटी फूटी हुई है। देखते हैं कि वो सीढ़ी नीचे आई है कि नहीं आई, आ गई गई है सीढ़ी नीचे। जाते हैं उस सीढ़ी के पास, वो अब देखते हैं कि क्या है। एरो हमें सीढ़ी के पास ही ले जा रहा चाहता है, ऊपर चढ़ता है, देखते हैं ऊपर क्या है। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा टाइप है, यहाँ पे कुछ है, कोई की है यहाँ पे। यहाँ जिस कमरे से आवाज़ आई थी वो नीचे बेसमेंट वाले कमरे से लगता है उसकी की होगी, उससे पहले वही जाते हैं। सीढ़ी से नीचे उतरने का प्रॉब्लम तो जाते नीचे आ गया। और गन हाथ में ले लूँ क्या, जिससे वो सामने आएगा तो मार ना सके, हाथ में लेते हैं। सबसे पहले नीचे जाता हूँ मैं और वहाँ पे जाता हूँ मैं उस बेसमेंट वाले कमरे में, ऊपर चढ़ता हूँ। और बेसमेंट वाला कमरा उस तरफ से था, दूसरी की हमारे जो मेन कमरा था उससे दूसरी तरफ था। वो वाली टनल है उसको भी एक बार चेक करूँगा मैं। जिस हिसाब से ये घर बना हुआ है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक ओल्ड टाइप फैशन घर है, ओल्ड फैशन है, जिसमें शायद चिड़िया है ना एक ही जगह आके मिलती है गोल गोल। चलो अब नीचे जाता हूँ मैं, इसकी आवाज़ आ रही थी यहाँ से चिल्लाने की। यहाँ पे बेड वगैरह है तो ये भी एक हॉस्पिटल ही लग रहा था मुझे, तो हॉस्पिटल ही नहीं लगता कि हॉस्पिटल ही है ये। यहाँ पे दवाई वगैरह है, सीमेंट वगैरह पड़ी हुई है क्या ये, यहाँ पे डेड बॉडी है, यहाँ पे कुछ है बॉम्ब। इस बॉम्ब का क्या करेंगे हम, पता नहीं, कोई बात नहीं। अब जाते हैं, यहाँ पर लालटेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ से निकलते हैं, वो सामने से हमारे ना आ जाए क्योंकि ये बॉम्ब आ चुका है हमारे हाथ में। तो ये हर कोई भी चीज़ आती है ना हमारे हाथ में तो वो सामने आ गया। ये आ गया मुझे पता था, ये आ गया मर गया मैं। मुझे पता था कि वो आएगा कि जब मैंने ना वो एक्स ली थी, एक्स नहीं गन, तब वो हमें दिखा था। जब मैंने वो पावर ऑन की थी तब वो आया था, और यहाँ मुझे ये बॉम्ब मिला है तब वो आया है। देखते हैं कि हमारे पास सारा सामान है हमारे पास, यहाँ हमें ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब हम जाते हैं नीचे, अब देखते हैं कि इस बॉम्ब का क्या करेंगे हम, बॉम्ब का क्या करना है हमें। तो अब देखते हैं क्या है नीचे जाके। लगता है जो मेन जो बीच वाला वो था ना, यहाँ पर कुर्सी लगी हुई थी, सब कुछ टूटा हुआ था, वहाँ पर हमें बॉम्ब लगाना होगा ताकि ये घर उठ जाए और हम यहाँ से निकल जाए। घर टूटेगा तो ये हम पे भी छत गिर सकती है। ये बॉम्ब करेंगे क्या वो पता नहीं है। इस गन को बाहर निकाल लेते हैं, अगर इस बार वो आया ना सारी की सारी बुलेट्स उसके ऊपर डाल दूंगा मैं बिना कुछ सोचे समझे। जैसे यहाँ पे तो मैंने उसका वेट किया, उसको थोड़ा पीछे आने दिया मैंने। ये यहाँ पे ये बॉम्ब लगता है क्या, नहीं लग रहा यहाँ पे तो आस पास कोई बॉम्ब का सिंबल भी नहीं आ रहा। यहाँ पे एक सेव पॉइंट है, यहाँ पे देखते हैं। और वहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है येलो कलर का, तो वहाँ पे जाके देखते हैं वो क्या है, कि मुझे याद है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये बॉम्ब का ही सिंबल है, बॉम्ब ही है ये। अगर बॉम्ब लगा दो, भागो जल्दी। तो ये बॉम्ब फट चुका है और ये गेम ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला बंदा हूँ जिसने ये गेम कंप्लीट किया है, जो जहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अब ये पुलिस स्टेशन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे हमें सपोर्ट मिलता है और अगली गेम खेलने का मौका